हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ केडी सर फ्रॉम शिवम एजुकेशन। क्या आप कंफ्यूज हैं 10th स्टैंडर्ड में बेसिक मैथ्स लेना है कि फिर स्टैंडर्ड मैथ्स? यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है और आज हम इस वीडियो में बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स के डिफरेंस के बारे में समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को सो दैट आपको नेक्स्ट इंटीमेशन मिलता रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स। ये गुजरात गवर्नमेंट ये पॉलिसी लेके आई है सो दैट जिन बच्चों को आगे की स्टडीज दैट इज़ 11th 12th या आगे के कॉलेज में मैथ्स को परस्यू नहीं करना है, उनको मैथ्स को फॉलो नहीं करना है, तो उन लोगों के लिए बेसिक मैथ्स का प्रोविज़न किया गया है। बेसिक मैथ्स स्टैंडर्ड मैथ्स से काफ़ी ईजी होता है। और दूसरी बात, अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं, आर्ट्स लेना चाहते हैं, बायोलॉजी लेना चाहते हैं, मेडिसिन MBBS या मेडिसिन के रिलेटेड कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें मैथ्स का इम्पोर्टेंस नहीं है तो आपको बेसिक मैथ्स लेना चाहिए। अच्छा, अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन इवन गो फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स एंड यू कैन गो फॉर ऑल दिस स्ट्रीम लाइक BCom BA whatever इट इज़, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है या मैथ्स की ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ आप बेसिक मैथ्स लीजिए और अच्छी तरह स्कोर कीजिए। स्टैंडर्ड मैथ्स उन लोगों के लिए हैं जिनके 11th 12th में मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, ज़्यादातर जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स PCM जो लेना चाहते हैं और इंजीनियरिंग CA, ये जहाँ जहाँ मैथ्स की ज़रूरत है वहाँ पे उन लोगों को स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड मैथ्स एंड बेसिक मैथ्स। और एक सवाल आता है बच्चों का कि अगर सपोज़ मैंने बेसिक मैथ्स लिया और फिर मुझे पता चला कि मुझे स्टैंडर्ड मैथ्स की ज़रूरत है तो क्या मैं स्टैंडर्ड मैथ्स ले सकता हूँ? यस, आप लोगों के लिए ये प्रोविज़न अवेलेबल है। आप जब कॉम्प्लीमेंट्री एग्ज़ाम आता है एग रिज़ल्ट आने के बाद एक महीने में, उस वक्त एग्ज़ाम दे के आप स्टैंडर्ड मैथ्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। डिसाइड इट नाउ और आप अपना बेसिक या स्टैंडर्ड मैथ्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई कन्फ्यूशन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए या तो मुझे आप मेल कर सकते हैं kdmudaliar@gmail.com में। ओके, आई विल गेट बैक टू यू। फॉर अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिल सके आपको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।